मेरे को कुछ पता नहीं यार ये स्पीकर के बारे में। चलो मैं एक बार चेक करता हूँ ये स्पीकर, एक बार ऑन कैसे होता है भाई ऊपर से। चलो पावर बटन तो ये नहीं है, पावर बटन कहाँ पे है भाई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। मैं आ चुका है Xiaomi स्मार्ट स्पीकर आईआर कंट्रोल, ओके। और यहीं पे चाटो कुछ ऐसे लिखा है, गेट आंसर एंड प्ले योर डे प्ले एंड कंट्रोल म्यूजिक मीडिया, ऐसे कुछ है। स्पीकर ऐसे कुछ दिखेगा, ओके। गूगल का सर्टिफाइड है, मतलब गूगल के साथ कनेक्ट कर सकते हो ये स्पीकर को। और इसका जो प्राइस है वो है अप्रॉक्स 5,996,000 रुपीज़ इसका प्राइस है। इसको मैंने नहीं परचेस किया, ये जो Redmi K50i है इसके साथ एक ऑफ़र था, उसी ऑफ़र में इसके साथ मेरे को फ्री में मिला है ये स्पीकर Xiaomi स्मार्ट स्पीकर। तो चलो ये बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। ये Redmi K50i का अनबॉक्स भी हो चुका है, मेरा वीडियो जाके देख सकते हो। आप लोग देखो टीटी लैब, ऐसे ही फ्रेंडली टेक्निकल रिव्यू देता हूँ मैं। और चलो ऊपर लिखा है MI, ओके गूगल। और लेफ्ट साइड में ऐसे कुछ फीचर्स है, एंजॉय म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट, टाइम वगैरह कुछ ऐसे आएगा, सेट अलार्म टाइमर्स रिमाइंडर, वॉइस रिमोट। चलो और इस साइड में तो ऐसे दिख रहा है, इस साइड में ओके गूगल। अच्छा कैसे कनेक्ट कर पाओगे वो सब बाद में मैं देख रहा हूँ। और इस साइड में ऐसे है, तो चलो नीचे के साइड में तो दाम है। तो चलो इसको अभी ओपन करने के लिए देखो यहीं पे सील है, सील ब्रेक करने के लिए मेरे पास नाइफ ऐसे कुछ नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं। ऐसे देखो इसको मैं ऐसे ओपन कर रहा हूँ इसको, भाई हर टाइम सामने नाइफ नहीं होता है इसलिए ऐसे ही ओपन कर रहा हूँ मैं। चलो ये ओपन हो चुका है और ये फास्ट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। और ऊपर क्या लिखा है मेरे को पता नहीं है क्या लिखा है, एक बार कोड है। चलो ऐसे कुछ स्पीकर दिख रहा है, ऊपर तो कोई थर्मोकोल वगैरह कुछ नहीं है, इसको मैं बाहर करना पड़ेगा। चलो ऐसे धीरे धीरे इसको बाहर कर रहा हूँ और इसको मैं साइड में रख चुका हूँ। और नीचे क्या है इसको देखने के लिए चलो, ये एक छोटा सा बॉक्स है, ये बॉक्स का अंदर क्या है देखते हैं। ये है स्पीकर, स्पीकर को ओपन कर रहा हूँ मैं। और अभी इस बॉक्स का अंदर क्या है, मेरे ख्याल से चार्जर हो सकता है। चलो ये तो चार्जर दिख रहा है, ये चार्जर है। चार्जर का वाटेज क्या है, क्या वाटेज है आप लोग पॉज करके देख सकते हो क्या लिखा है इधर, ठीक है। मेड इन चाइना है। और यहीं पे जो पिन दिख रहा है ये ऐसे एक पिन है चार्जिंग के लिए। और अंदर एक किताब है, ये मैनुअल है, इसके ऊपर कुछ लिखा है मेरे को देखना पड़ेगा। और कुछ नहीं है इसके अंदर, चलो इसको मैं साइड में कर देता हूँ। अभी ये स्पीकर को मैं ओपन कर रहा हूँ, नीचे से लगा है भाई, कहाँ से है ऊपर। और भाई लोग बाहर निकलने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा, ये Xiaomi का ब्लूटूथ स्पीकर है, आईआर कंट्रोल है इसमें, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। ऊपर तो ऐसे कुछ फंक्शन बटन है और नीचे की तरफ तो कुछ ऐसे लिखा है, साइड में स्पीकर, चारों तरफ के स्पीकर है भाई, ओ भाई चारों तरफ स्पीकर है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसको कैसे ऑन करते, इसका साउंड चेक करूंगा मैं। मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको ऑन कैसे होगा भाई, मेरे को तो फ्री में मिल गया ये स्पीकर लेकिन ऑन कैसे होगा। चलो इसको क्या चार्ज नहीं है भाई, देखो यहीं पे प्लस है माइनस है सब बटन है लेकिन ऑन कैसे होता है भाई, या फिर ये फुल ऑन ही रहता है भाई। देखो ऑन करने का तो स्विच तो नहीं मिल रहा है भाई, चारों तरफ तो कोई स्विच नहीं है, आप लोग ही देखो मेरे साथ और पीछे की तरफ भी कोई स्विच नहीं है। चलो इसको एक बार चार्ज में लगा देता है, इसको एक बार चार्ज में लगाना पड़ेगा। चार्जर पोर्ट कहाँ पे है भाई, ये पीछे देखो छोटा ही पे चार्ज कनेक्ट होगा। चलो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा फास्ट, ये चार्जर कनेक्ट करता हूँ अभी। देखो यहीं पे चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये देखो चार्जर कनेक्ट हो चुका है, ये देखो चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, आप लोगों का सामने ही मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। और स्विच ऑन करूँगा अभी, ये देखो स्विच ऑन हो चुका है लेकिन यहीं पे तो कुछ नहीं दिख रहा है अभी तक।
देखो चार्जर कनेक्ट है। अच्छा ये देखो चार्जर कनेक्ट होने का साथ साथ ये लाइट बाहर निकल के आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो अंदर से और कोई लाइट है? अच्छा सामने ये देखो ऐसे दिख रहा है, मेरे को लग रहा है इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। You can ask me questions and tell me to do things. To get started, download the Google Home app. Google Home app मेरे को डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। सामने Google Home app डाउनलोड करने वाला हूँ। ठीक है चलो Google Home app डाउनलोड करने के लिए Play Store के जाने का बाद Google Home। ये देखो Google Home आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मैं, और क्लिक करने के साथ साथ ये जो Google Home app है इसके ऊपर मैं इंस्टॉल का बटन क्लिक कर चुका हूँ और अभी ये डाउनलोड होगा। इसका साउंड मेरे को सुनना है और इसका फीचर भी मेरे को देखना है क्या होगा। देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, साउंड भी मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया होने वाला है। चलो होम क्लिक कर रहा हूँ मैं और यहीं पे एक मेल आईडी मेरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका मेल आईडी आएगा ऐसे जितना ऐप्स है सब ऑन कर लो, सेटिंग्स वगैरह लोकेशन ऑन सब करने के बाद ऐसे कुछ दिख रहा है। ब्लूटूथ भाई सब कुछ ऑन कर रहा हूँ, वाईफाई ब्लूटूथ लोकेशन अलाउ लुकिंग फॉर डिवाइस। ये देखो लुकिंग फॉर डिवाइसेस, डिवाइस ढूंढ रहा है अभी। और इसके साथ साथ डिवाइस देखो व्हाट आर यू सेटिंग अप। अच्छा क्या सेटिंग करना चाहता हूँ मैं, ये आ रहा है गूगल टीवी कैमरा डिस्प्ले लाइट लॉक बल्ब सेंसर स्मोक स्पीकर। ये जो स्पीकर ऑप्शन मेरे ख्याल से यही होगा, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसलिए मेरे को ज़्यादा पता नहीं। चलो स्पीकर आप लोगों का सामने सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्लग इन योर डिवाइस लुकिंग फॉर डिवाइस आ रहा है। आ जाओ भाई स्पीकर ही तो है ये। फाउंड यस Xiaomi स्मार्ट स्पीकर IR कंट्रोल फाउंड यस कनेक्टिंग हो रहा है। ऐसे कुछ टाइम लेगा। ओके कनेक्टेड हो चुका है। यस डिड यू हियर साउंड? लिविंग रूम ओके, वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा इसके साथ। वाईफाई कनेक्ट, वाईफाई पासवर्ड देना पड़ेगा। एक सेकेंड चलो मैं वाईफाई का पासवर्ड लिख चुका हूँ। कनेक्ट कनेक्टिंग टू वाईफाई। अच्छा वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है भाई, बहुत सेटिंग है भाई शुरू में। आप लोग देख रहे हो टीटी लैब, ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, नोटिफिकेशन मिलेंगे जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसे ही मैं ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ इसलिए जो होगा आप लोगों का सामने ही होगा। और जाने से पहले एक लाइक कर देना। चलो नेक्स्ट भाई कितना सेटिंग है। चलो यूट्यूब म्यूज़िक गाना विंक, मैं विंक क्लिक कर रहा हूँ, यूट्यूब म्यूज़िक नहीं विंक से कनेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जैसे कि मेरा विंक म्यूज़िक है इसलिए विंक पूरा कनेक्ट कर चुका हूँ। व्हेन यू लिंक योर अकाउंट गूगल विल बी एबल टू कंट्रोल योर मीडिया। चलो भाई बहुत कुछ हो चुका है। अच्छा गूगल ऑथराइज करना पड़ेगा, अगर विंक म्यूज़िक का गाना सुनना चाहते हो तो ऑथराइज गूगल क्लिक बिलो टू ऑथराइज गूगल। फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। हेलो चलो चलो कनेक्ट हो रहा है। नेटफ्लिक्स सब कनेक्ट करना पड़ेगा, नॉट नाउ कर दिया मैंने बाद में। नॉट नाउ नॉट नाउ नॉट नाउ कंटिन्यू कंटिन्यू। भाई साहब आई एम योर गूगल असिस्टेंट, आई एम हियर टू हेल्प टू लर्न अ फ्यू थिंग्स यू कैन डू, कंटिन्यू इन द गूगल होम ऐप। अच्छा ये सब बोलने के लिए बोला, सेट अ टाइम फॉर 15 मिनट्स। मैं गूगल के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ, अभी मैं गूगल जो ये स्पीकर है ये विंक ऐप के साथ मैं कनेक्ट कर चुका हूँ इसलिए अभी मैं जो बोलूँगा ये वही करेगा।
उससे पहले ओके गूगल बोलना पड़ेगा मेरे को, ठीक है आहिस्ता बोल रहा हूँ मैं। ये देखो सुन लिया उसने। ओके गूगल प्ले अ सॉन्ग फॉर मी। देखो अभी क्या करेगा ये। साउंड है इस। ओके गूगल स्टॉप द म्यूजिक। ओके गूगल स्टॉप द म्यूजिक। देखा स्टॉप हो गया। ऐसे सब जो बोलोगे वही करेगा ये गूगल का स्पीकर, मेरे को पता लग गया। मेरे को और भी देखना पड़ेगा, अगर कुछ नया मेरे को देखने को मिलेगा स्पीकर से मैं बता दूंगा। आप लोग देखते TT Lab, देखते रहो।